मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर ईडी ने आरोप लगाया कि वो जेल में मीठी चाय और केला जल्दी बेल पाने के लिए खा रहे हैं। इस बात पर दिल्ली की शिक्षा मंत्री आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी सच्चाई बताई। आपका दावा है कि अरविंद केजरीवाल चाय और मिठाई में चीनी की जगह एरिथ्रेटॉल नामक एक आर्टिफिशियल स्वीटनर का इस्तेमाल करते हैं, पर एरिथ्रेटॉल क्या है, आइए इसका पूरा केस जानते हैं। आतिशी मार्लेना ने बताया कि मुख्यमंत्री केजरीवाल को 30 साल से डायबिटीज या कहें शुगर है। शुगर को कंट्रोल में रखने के लिए उन्हें हर दिन 54 यूनिट इंसुलिन रोज लेना पड़ता है, और जब से अरविंद केजरीवाल कस्टडी में गए हैं उनका इंसुलिन जेल अधिकारियों द्वारा रोक दिया गया है। कई बार मुख्यमंत्री केजरीवाल इंसुलिन और डॉक्टर से परामर्श के लिए विनती कर चुके हैं, लेकिन जेल अधिकारी ने इस पर कोई भी कदम नहीं उठाया है। आतिशी ने बताया कि भाजपा और ईडी ने मिलकर ये साजिश रची है और उसी के तहत ईडी झूठी कहानियां जनता और कोर्ट में पेश कर रही है। इससे दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की छवि खराब होने की कोशिश की जा रही है। आतिशी ने गिनकर ईडी के कई झूठ बताए। आतिशी ने कहा ईडी का पहला झूठ है कि उन्होंने कहा कि केजरीवाल मीठी चाय पी रहे हैं और मिठाई खा रहे हैं, जबकि केजरीवाल जी उनके डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब्ड एक स्वीटनर एरिथ्रेटॉल की चाय और मिठाई खाने की अनुमति है। ईडी का दूसरा झूठ ये है कि केजरीवाल केला खा रहे हैं, तो ये किसी भी डायबिटीज डॉक्टर से पूछा जा सकता है कि शुगर के मरीज को उनके पास इमरजेंसी के लिए हमेशा एक केला और चॉकलेट रखने के लिए कहा जाता है। ईडी का तीसरा झूठ आतिशी ने बताया कि केजरीवाल रोज खा रहे हैं आलू और पूरी, जबकि सिर्फ नवरात्र के पहले दिन प्रसाद के रूप में उन्होंने पूरी और सब्जी खाई थी। इस बात पर आतिशी ने ईडी से सवाल पूछा कि क्या मुख्यमंत्री को अपना कर्म और धर्म निभाने की अनुमति नहीं है। इस मुद्दे पर आप नेता और सांसद संजय सिंह ने भी प्रेस वार्ता कर बताया कि बड़े से बड़ा अपराधी का भी इलाज एम्स में कराया जाता है, लेकिन जेल प्रशासन ने प्रधानमंत्री मोदी के आदेश पर 3 बार निर्वाचित सीएम अरविंद केजरीवाल को इंसुलिन तक मुहैया नहीं कराई है। संजय सिंह ने कहा कि ईडी के अधिकारी पहले झूठा डाइट चार्ट प्रचारित करते हैं, उसके बाद कहते हैं कि केजरीवाल। इस पर उन्होंने कहा कि सीएम की सुरक्षा का ईडी और जेल प्रशासन ने मजाक बना दिया है। आप सांसद ने कहा कि इस साजिश में हर प्रशासनिक अधिकारी शामिल है, चाहे वो जेल प्रशासन हो, एलजी दफ्तर हो या ईडी अधिकारी। उन्होंने बताया कि सबके निलंबन की माननीय राष्ट्रपति और चुनाव आयोग से मिलकर मांग की जाएगी। हंगामा टाइम्स की तमाम खबरों को देखने के लिए हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस कर अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में देना मत भूलें।